ऑलरेडी मैंने तुम लोगों के लिए वो वीडियो अपलोड कर दी है कि यस अपग्रेडेशन फॉर्म और नो अपग्रेडेशन फॉर्म किसे फिल करनी है और कैसे फिल करनी है। अगर तुमने उस वीडियो को नहीं देखा है तो तुम्हें आई बटन पर वो वीडियो मिल जाएगी, या फिर तुम नीचे डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लो, वहां पर से तुम्हें वो वीडियो मिल जाएगी। और फिर अच्छे से देख लो कौन यस अपग्रेडेशन फॉर्म भरेगा और कौन नो अपग्रेडेशन फॉर्म भरेगा, उसके अकॉर्डिंग फिर वेबसाइट से ये फॉर्म को डाउनलोड करके उसे भर के रख लेना। और अब देखो तुम लोगों की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डाउट थी कि इस फॉर्म को फिर कहां पर डालनी है, कहां अपलोड करना है या फिर कहां पर लेके जानी है, तो इस वीडियो में मैं आगे यही बताने वाला हूँ। साथ ही साथ तुम्हें मैं प्रूफ भी दे दूंगा कॉल रिकॉर्डिंग के साथ, जो मैं WBJEE की हेल्प डेस्क पर कॉल करके जो इन्फॉर्मेशन मैंने ली है उसे मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पर शेयर कर दूंगा। तुम लोग उस रिकॉर्डिंग को आगे इस वीडियो में सुन लेना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते। तो देखो यार, तुम लोग की सारी डाउट्स को क्लियर कर रहे हैं फिर भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, ऐसे कैसे तुम लोगों के पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आएगी। वीडियो को देखने के बाद लाइक किया करो, फिर चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इससे हम लोगों को भी मोटिवेशन मिलेगी। जल्दी से जल्दी तुम लोगों को अपडेट देते रहे, लेटेस्ट नोटिफिकेशन की वीडियो तुम लोगों के साथ शेयर करते रहे। तो एक बार फिर से देख लो, ये यस अपग्रेडेशन फॉर्म है, इसे तुम्हें फिल करनी है, वो वीडियो को तुम देख लेना और फिर इसे फिल कर देना। और ये रही तुम्हारी नो अपग्रेडेशन की फॉर्म, इसे भी तुम लोग देखकर उस वीडियो से फिर फिल कर लेना अच्छे तरीके से। एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं कि नीचे तुम्हें व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिलेगी, वहां पर तुम उसे ज्वाइन कर लो, लेटेस्ट अपडेट वहां पर तुम्हें मिलता रहेगा। और साथ ही साथ तुम WBJEE 2024 गाइडेंस की प्लेलिस्ट को चेक करो, वहां पर तुम्हें बहुत सी लेटेस्ट वीडियो मिलेगी काउंसलिंग रिलेटेड, जो तुम्हारे लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। ऑलरेडी तुम लोगों की फर्स्ट राउंड की अलॉटमेंट रिजल्ट आ गई है, तो तुम लोग अपने कॉलेज जो भी तुम्हें अलॉट हुई है उसके अकॉर्डिंग तुम अपने कॉलेज रिव्यूज को भी देख सकते हो, वहां पर तुम्हें रिव्यूज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और हाँ, हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि मोस्ट ऑफ द कॉलेज की डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड को अपलोड कर दें, तुम लोग उसे देखकर चेकआउट कर लो कि कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स तुम्हें लेकर जानी है। तुम्हें जो भी कॉलेज अलॉट हो रही है उसी के अकॉर्डिंग तुम्हें डॉक्यूमेंट लेकर जानी पड़ेगी। और साथ ही साथ तुम्हें क्या एडमिशन फी लग रही है और किस डेट में तुम्हें कॉलेज को विजिट करनी है, ये सारी चीजें मैं हर एक वीडियो में बताते आ रहा, तो तुम उसे भी देख लो। और हाँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ तुम लोगों को डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की डेट्स को मिस नहीं करनी है। जो भी कॉलेज तुम्हें अलॉट हो रही है उस कॉलेज के वेबसाइट पर जाकर चेकआउट करो या फिर नीचे कमेंट करो जो भी प्रॉब्लम तुम्हें हो रही है, हम लोग ट्राई करेंगे तुम्हें एज सुन एज पॉसिबल अपडेट कर दें। अब चलो तुम इस रिकॉर्डिंग को सुनो और तुम्हें फिर पता चल जाएगी, जैसे तुम रिकॉर्डिंग को सुन लोगे पूरी तो तुम्हें पता चल जाएगी कि इस फॉर्म को तुम्हें कहां पर अपलोड करनी है, कहां पर लेकर जानी है, वो सारी चीजें तुम्हें इस रिकॉर्डिंग में पता चल जाएगी। तो चलो तुम इस रिकॉर्डिंग को पहले सुन लो, फिर मैं आगे तुम्हें बताता हूँ। हेलो हेलो, मुझे WBJEE काउंसलिंग के रिगार्डिंग कुछ पूछना है। हाँ बोले। वेबसाइट में यस अपग्रेडेशन और नो अपग्रेडेशन फॉर्म का अपडेट आया, तो उसको कहाँ पर सबमिट करना है? अभी तो रिजल्ट ही निकाला नहीं। हाँ मतलब अलॉटमेंट रिजल्ट नहीं आई है, लेकिन वो जो फॉर्म आई है उसको मतलब क्या करना है वेबसाइट पहले पे? पहले अलॉटमेंट होने दीजिए। हाँ अच्छा। अलॉटमेंट के बाद तो ये अपग्रेडेशन नो अपग्रेडेशन, उसके अच्छा। पहले आपको सीट एक्सेप्टेशन फी सबमिट करना होगा और अलॉटमेंट लेटर और ये सबग्रेशन नो अपग्रेडेशन फॉर्म जो आप करना चाहते वही लेकर और सारी डॉक्यूमेंट्स लेकर आपको जो कॉलेज मिलेगा उसी कॉलेज पे जाना होगा। ठीक है। अच्छा मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जहाँ होगी वहाँ पर वो फॉर्म को भर कर लेके जाना है। हाँ अच्छा। और ये यहाँ ऑनलाइन पोर्टल पर नहीं ना सबमिट करना है, यानी WBJEE के वेबसाइट पे? नहीं कॉलेज पे जाकर करना। ओके ओके, थैंक यू मैम। शायद अब तुम लोग समझ गए होगे ये तुम्हें फॉर्म कहाँ पर लेकर जानी है। तो हाँ, तुम्हें इस फॉर्म को डाउनलोड करके सारी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी रेडी करके फॉर्म को फिल करके तुम्हें कॉलेज में विजिट करनी है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के दिन तुम्हें ये सबमिट करनी है उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में तुम्हें अलॉटमेंट मिली है फर्स्ट राउंड में। एक और इंपॉर्टेंट बात, तुम ध्यान से पहले उस वीडियो को देख लो, किसे यस अपग्रेडेशन फॉर्म भरनी है किसे नो अपग्रेडेशन, फिर फॉर्म फिल करके तुम उसे अच्छे से सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ जो भी कॉलेज तुम्हें अलॉट होगी उस कॉलेज में तुम्हें लेकर जानी है और वहां पर तुम्हें सबमिट कर देनी है। एक और इंपॉर्टेंट बात, जिसे PI कॉपी क्या है समझ में नहीं आ रही, उसे वेट करनी है, अपकमिंग वीडियोस में मैं अपडेट कर दूंगा कि PI कॉपी क्या है और उसे तुम्हें कहां से मिलेगी, कैसे तुम्हें लेकर जानी है, वो सारी चीजें। तो चलो, अगर ये वीडियो तुम्हें हेल्पफुल लगे तो तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दो, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आने वाले वीडियोस के लिए तुम वेट करो और एक भी वीडियो तुम मिस मत करना, क्योंकि काउंसलिंग रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें यहां मिल जाएगी। तो तुम्हें हर एक वीडियो को ध्यान से देखनी है, तो तुम चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि तुम्हें लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।